आप लोगों ने देखा होगा, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक निर्देश आया है पदोन्नति में आरक्षण को लेकर। याद रखिए, पदोन्नति का मतलब होता है कि एक पद, आप छोटे पद से ऊपरी मतलब अगले पद की ओर जाना। जैसे आप लोग मान लीजिए कि आप लोग कांस्टेबल हैं, मानिए आपको पदोन्नति मिल रही है, आरक्षण के जरिए आप देखते हैं कि आप दरोगा बन जाए, आप समझ रहे हैं? यानी कि पदोन्नति का मतलब सीधा सा यही निकाला करिएगा कि आप जिस पद पर है उससे आगे का पद, ठीक है, उससे बड़ा पद। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने महान्यायवादी को एम नागराज मामले में वर्ष 2006 में संविधान पीठ द्वारा दिए गए निर्णय के खिलाफ किए गए फैसले की प्रायोज्यता के संबंध में राज्यों द्वारा उठाए जा रहे विभिन्न मुद्दों को संकलित करने के लिए कहा है। और एक बात आपको और बताऊं, आरक्षण कोई स्थायी प्रावधान नहीं था। आप लोग देखते होंगे कि विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता था, आप देखते हैं कि आंध्र प्रदेश, फिर आपने देखा है बिहार भी इस पर काफी उछलता रहा, और आपने देखा है कि भारी बवाल चलता रहा। तो एक तरह से मुख्य धारा में जोड़ने के लिए जो एक तरह से सामाजिक या आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं, आप सोचिए कि ST ST है या फिर महिलाएं हैं या फिर OBC है, ये लोग पिछड़े हुए थे, इनके साथ किस तरह का भेदभाव रहता था। तो इन्हें मुख्य धारा में जोड़ने के लिए एक तरह से आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। और एक तरह से आप समझिए कि जब ये मुख्य धारा में जुड़ जाएंगे तब आरक्षण आराम से खत्म हो सकता था, लेकिन आज भी आप देखते हैं कि इनके साथ अभी भी भेदभाव किया जाता है, इसलिए आरक्षण अभी भी बना हुआ है। आप देखते हैं लोकसभा सीटें हों, फिर चाहे विधानसभा सीटें हों, आप देखते होंगे कि आरक्षित रहती है उनके लिए। फिर चाहे आप लोग नौकरियों में देखते होंगे, उनमें भी आरक्षण की व्यवस्था की जाती है। यह निर्देश 7 न्यायाधीशों में वाली खंडपीठ द्वारा केंद्र की एक याचिका पर दिया गया है, जिसमें सवाल किया गया है कि सरकारी पदोन्नति में आरक्षण प्रदान करते समय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय के लिए क्रीमी लेयर लागू होना चाहिए या नहीं। आप समझिए कि एक तरह से कहा जा रहा है कि पदोन्नति में ST ST को क्रीमी लेयर लागू होना चाहिए या नहीं। अब आपके मन में आता है सवाल कि क्रीमी लेयर आखिर होता क्या है? तो मान लीजिए आप लोग 1 लीटर दूध लाए, आप लोगों ने उसे गर्म किया, उसमें से ऊपर क्रीम आ जाती है, आपने देखा होगा ना, मलाई आ जाती है, उसे हटा दीजिए, इसे ही एक तरह से क्रीमी लेयर कह देते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि जो एक तरह से सशक्त हो चुके हैं, जिन्हें आरक्षण का लाभ मिल चुका है, ऊपर उठ चुके हैं, उन लोगों को बाहर निकाल दीजिए। आप देखते हैं कि ये क्रीमी लेयर की अवधारणा ST ST पर लागू नहीं होती है, लेकिन OBC पर होती है। अगर आप OBC कैटेगरी से हैं तो जब आप लोग फॉर्म भरते होंगे तब आपको ऑप्शन आता होगा कि आप क्रीमी लेयर में आते हैं या नहीं आते। अगर आते हैं तो आप देखते होंगे कि आपको फीस ज्यादा देनी पड़ती है, अगर नहीं आते हैं आप लोग तो एक तरह से फीस कम लगती है उसकी। तो क्रीमी लेयर में वो लोग आते हैं जो एक तरह से सशक्त हो चुके हैं या उनका फायदा मिल चुका है, ऊपर उठ चुके हैं, ठीक है। अदालत ने एम नागराज मामले में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति समुदायों के सदस्यों को की पदोन्नति में क्रीमी लेयर सिद्धांत के इस्तेमाल को बरकरार रखा था। याद रखिए, वह मामले में देख रहा हूं, पदोन्नति के मामले में ST ST पर भी ये लागू करने की बात की जा रही है, लेकिन जो आप देखते हैं कि सामान्य जो आप नौकरियों में देखते हो वहां क्रीमी लेयर की अवधारणा ST ST पर लागू नहीं होती है, एक बात हमेशा याद रखिए, ठीक है। अब बात करते हैं क्रीमी लेयर आखिर की बात भी कर लीजिए। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा क्रीमी लेयर शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख इंदिरा साहनी मामले 1992 में किया गया था, इसे भी याद रखिए, क्योंकि आरक्षण पर जब भी क्वेश्चंस लिखने के लिए आएगा तो उसमें आप लोगों को इसका एक तरह से इसे भी आप लोग इस पॉइंट को भी वहां दे सकते हैं, ठीक है। ये है इंदिरा साहनी मामला 1992 का। क्रीमिलियर शब्द अन्य पिछड़ा वर्ग OBC की अपेक्षाकृत अमीर और बेहद शिक्षित समूहों को संबोधित करता है, यानी कि जो ऊपर उठ चुके हैं, जिन्हें सरकार प्रायोजित शैक्षिक और पेशेवर लाभ के कार्यक्रमों के योग्य नहीं माना जाता है। यानी कि अगर आप लोग क्रीमिलियर में आ चुके हैं तो सरकार की तरफ से जो लाभ है वो आपको नहीं मिलेंगे या उसके योग्य नहीं है। वर्तमान नियमों के अनुसार OBC वर्ग के केवल वे उम्मीदवार जिनकी पारिवारिक आमदनी 6 लाख रुपए से कम है आरक्षण के पात्र हैं। अगर आपकी आय 6 लाख से ऊपर है साल में तो आप लोग क्रीमिलियर में आ जाएंगे और आप आरक्षण का लाभ नहीं उठा पाएंगे, ठीक है। हालांकि हाल ही में पारिवारिक आमदनी की सीमा को बढ़ाकर 8 लाख रुपए कर दिया गया है। अब 8 लाख रुपए कर दिया गया है, कहने का मतलब है कि अगर आपकी 8 लाख इनकम है, समझ रहे हैं आप लोग, उससे कम है या उस तक है तब आरक्षण का लाभ मिलेगा, अगर उससे ऊपर है तो आप लोग याद रखिए उसका फायदा आपको आरक्षण का नहीं मिलेगा, ठीक है। संकलन का निर्देश देने के कारण
तो एससी एसटी समुदाय के सदस्यों के लिए पदोन्नति में क्रीमिलेयर सिद्धांत को लागू करने हेतु राज्यों द्वारा उठाए गए मुद्दे साधारण सामान्य नहीं है। इसलिए इस प्रकार के मुद्दों को 7 न्यायाधीशों की बेंच को संदर्भित करने से पहले संकलित किया जाना चाहिए। एएम नागराज मामला क्या है, 2006 में हुआ था ये। और याद रखिए, इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चंस प्रारंभिक परीक्षा में भी बन सकता है और आपका मुख्य परीक्षा में भी बन सकता है। याद रखिए एक बात और बताऊं आपको, आरक्षण के मुद्दे पर कभी भी निष्कर्ष पर पहुंचा ही नहीं जा सकता है, इस पर तर्क कुतर्क ये चलते रहते हैं। अगर आपसे भी कहीं क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, इंटरव्यू में है या कहीं और भी है, तो आप लोग बड़ा एक तरह से साधारण यानी कि बैलेंस बनाकर रखा करिएगा। ना तो इसके पक्ष में आपको एकाएक बोल देना है, ना ही इसके विपक्ष में एकाएक आपको बोल देना है, आपको बीच का रास्ता चुनना है। ठीक है, इंदिरा साहनी मामले से अलग निर्णय, सर्वोच्च न्यायालय ने पदोन्नति में एससी एसटी के लिए आरक्षण में क्रिमिलियर अवधारणा को लागू करने के इंदिरा साहनी मामले 1992 में दिए गए अपने निर्णय, जिसमें उसने एससी एसटी की क्रिमिलियर से बाहर रखा था जबकि यह ओबीसी पर लागू था, को पलट दिया। एक तरह से आप समझिए, जो इंदिरा साहनी मामला था 1992 का, इसमें कहा गया था कि क्रीमिलेयर की अवधारणा सिर्फ ओबीसी पर लागू होगा, लेकिन जो आपका एम नागराज मामला था 2006 का, इसने एससी एसटी को भी इसमें शामिल कर लिया था। ठीक है, इतनी सी बात है। राज्यों को निर्देश की अगर बात करें तो 5 जजों की बेंच ने नागराज मामले में 77वें, 81वें, 82वें और 85वें संविधानिक संशोधन को बरकरार रखा, जो पदोन्नति में एससी एसटी समुदाय के आरक्षण का प्रावधान करते हैं। लेकिन राज्यों को कुछ निर्देश भी दिए गए हैं जो इस प्रकार है, कौन कौन से, राज्य पदोन्नति के मामले में एससी एसटी समुदाय को आरक्षण देने के लिए बाध्य नहीं है, यानी कि कहने का मतलब राज्य पर जबरदस्ती नहीं है कि वो एससी एसटी के जो भी लोग हैं उन्हें पदोन्नति यानी कि पद की उन्नति में आरक्षण देना जरूरी हो, ऐसा कुछ नहीं है। यदि कोई राज्य पदोन्नति में एससी एसटी समुदाय को आरक्षण प्रदान करना चाहता हो तो उस वर्ग के पिछड़ेपन की स्थिति को दर्शाते हुए मात्रात्मक डेटा एकत्रित करना होगा जिसे वह आरक्षण प्रदान करना चाहता है। आप देखते हैं राजनीतिक एक तरह से रोटियां सेकने के लिए ये व्यवस्था कर दी जाती है। आप देखते होंगे कि कौन ले, कौन एक तरह से आप पंगा ले। आप लोगों ने देखा होगा ना कि बिहार में आपने देखा पिछली विधानसभा चुनाव हुए थे, किसी ने बोल दिया था कि आरक्षण को हटाएंगे, बीजेपी के किसी नेता ने, वो बीजेपी हार गई थी वहां। तो आरक्षण के मुद्दे पर बोलने से हर नेता डरता है, हर पॉलिटिशियन जो भी पार्टी है सभी डरती है, समझ रहे हैं आप लोग। जो आर्टिकल आपका 335 है का अनुपालन सुनिश्चित करने के अलावा राज्य को सार्वजनिक रोजगार में उस वर्ग के अपर्याप्त प्रतिनिधित्व को दर्शाना होगा। अगर कोई राज्य इसका पदोन्नति में भी एसटी एससी समुदाय के लोगों को आरक्षण देना चाहता है तो उसे एक तरह से पिछड़े उस वर्ग के पिछड़ेपन को भी दर्शाना होगा, उसका जो भी डेटा है उसे एकत्रित करना होगा। और याद रखिए एक तरह से अनुच्छेद जो 335 है ना, इसका अनुपालन भी करना होगा, ठीक है, तब दे सकता है। राज्य को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके द्वारा 50% की आरक्षण सीमा के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं किया गया है। लेकिन आप देखते हैं कि इसे भी कई बार आप देखते हैं, अभी जैसे 10% सामान वर्ग को दिया गया है तब भी आप देखते हैं 50% से ज्यादा चला गया है। तमिलनाडु में आपने देखा है 69% के करीब, 69 से प्लस जा रहा है। तो ये क्या होता है कि 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाता है तो उससे क्या रहता है कि इनको एक तरह से सहायता मिल जाती है। ठीक है, अन्य संबंधित नेताओं की बात करें तो आप देखेंगे जर्नैल सिंह बनाम BLN गुप्ता, ये 2018 का मामला है। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने नागराज फैसले को एक उच्च पीठ को संदर्भित करने से इनकार कर दिया, परंतु बाद में यह कहकर अपने निर्णय को बदल दिया कि राज्यों के एसटी और एससी समुदायों के पिछड़ेपन की मात्रात्मक डेटा प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। इन सभी केसों को जरूर याद रखना क्योंकि कई बार आरक्षण से संबंधित क्वेश्चन आता है, अगर प्रारंभिक परीक्षा में भी पूछा जा रहा है या मुख्य परीक्षा में भी पूछा जा रहा है तब इनका आप लोग उपयोग कर सकते हो। ठीक है, एक प्रभावकारी आंसर भी हो जाएगा आपका। पदोन्नति में आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है, नागराज मामले में अपने रोक की पुष्टि करते हुए 2020 में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि सार्वजनिक पदों पर पदोन्नति के मामले में आरक्षण की कोई मौलिक अधिकार नहीं है और तथा किसी राज्य को इसे प्रदान करने हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता है। केंद्र द्वारा वर्तमान मांग की बात करें तो केंद्र ने न्यायालय से विभिन्न मुद्दों पर एसटी एससी को पदोन्नति में क्रीमिलेयर की अवधारणा शुरू करने के अपने रूप की समीक्षा करने के लिए कहा है। आप समझ सकते हैं कि केंद्र सरकार हो या कोई राज्य सरकार हो, कोई इसमें पंगा नहीं लेना चाहती है। आपने देखा है तभी तो केंद्र सरकार कह रही है कि आपने जो निर्णय सुनाया है क्रीमिलेयर की अवधारणा का,
एसटी पद को पदोन्नति देने के मामले में, तो इस पर पुनर्विचार करिए, इसमें सुधार करिए आप लोग, समझ रहे हैं आप लोग, वरना इसका एक तरह से नुकसान जो भी केंद्र सरकार रहती है उसे उठाना पड़ता है अगले चुनाव में। पिछले वर्ग आरक्षण से वंचित हो सकते हैं। सरकार का मानना है कि क्रीमी लेयर आरक्षण के लाभ से पिछड़े वर्गों को वंचित कर सकता है। पिछड़ेपन की स्थिति को पुनः साबित करने की निरर्थकता, यह माना जाता है कि एक बार जब उन्हें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 के तहत राष्ट्रपति द्वारा पिछड़े वर्ग की सूची में जोड़ दिया गया, तो फिर से SC ST को पिछड़ा साबित करने का कोई सवाल ही नहीं आता है। अनुच्छेद 341 और 342 के तहत उक्त सूची को संसद के अलावा किसी अन्य द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता, ये संसद के पास है एक तरह से शक्ति। यह परिभाषित करना किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किसी SC ST के रूप में माना जाएगा। आरक्षण में अगर पदोन्नति के लिए संवैधानिक प्रावधान की हम लोग बात करें, तो इन अनुच्छेदों को, आर्टिकल्स को भी आप लोग याद रखिए, ये भी कई बार क्वेश्चन बन जाता है, या फिर भी बोल रहा हूँ कि फिर भी आप लोग अगर आंसर लिखते हैं तब भी आप इन्हें डाल सकते हैं। अनुच्छेद 16(4), इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य सरकारें अपने नागरिक के उन सभी पिछड़े वर्ग के पक्ष में नियुक्तियों या फिर पदों के आरक्षण हेतु प्रावधान कर सकती है जिनका राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। मान लीजिए कोई एक तरह से पद है या नियुक्तियां हैं, उसमें आप समझिए कि ST ST का एक तरह से या पिछड़े कोई भी वर्ग है उसका, उसमें पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, पर्याप्त लोग नहीं है, तो राज्य सरकार के पास अधिकार है कि वो ये प्रावधान कर सकती है, उन्हें आरक्षण दे सकती है। अनुच्छेद 16(4)(a) क्या कहता है? इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य सरकार या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पक्ष में पदोन्नति के मामले में आरक्षण के लिए कोई भी प्रावधान कर सकती है यदि राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। तो आप समझिए राज्य के पास है ये शक्ति है आर्टिकल 16(4)(a) के तहत कि वो अगर कोई एक तरह से पद है, समझ रहे हैं आप लोग, उसमें अगर किसी जाति का SC ST में से किसी जाति का अगर पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो ये प्रावधान कर सकती है राज्य सरकार कि उन्हें पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाए, ठीक है, पदोन्नति में भी। इसे संविधान में 77वें संविधान संशोधन द्वारा 1995 में शामिल किया गया था, तो आप लोग 77वें संविधान संशोधन को भी याद रखिए। फिर आपका अनुच्छेद या आर्टिकल 16(4)(b), इसे 81वें संविधान संशोधन अधिनियम 2000 द्वारा जोड़ा गया जिसमें एक विशेष वर्ग के रिक्त SC ST कोटे को अगले वर्ष के लिए स्थानांतरित कर दिया गया है, अगर इस साल खाली रहता है तो अगले साल के लिए बढ़ा दिया गया। फिर आप देखेंगे अनुच्छेद 1 है आपका 335, इसके अनुसार सेवाओं और पदों को लेकर SC ST के दावों पर विचार करने हेतु विशेष उपायों को अपनाने की आवश्यकता है ताकि उन्हें बराबरी के स्तर पर लाया जा सके। 82वें संविधानिक संशोधन अधिनियम 2000 ने अनुच्छेद 335 में एक शर्त सम्मिलित की जो कि राज्य को किसी भी परीक्षा में हर अंक में छूट प्रदान करने हेतु अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के पक्ष में कोई प्रावधान करने में सक्षम बनाता है। और एक तरह से आप याद रखिए कि ये आरक्षण की बात करते हैं आप लोग, ये राज्यों के पास है एक तरह से आपकी ये शक्ति, समझ रहे हैं आप लोग, इसीलिए आप देखते होंगे अलग अलग राज्यों में अलग अलग आरक्षण दिया जाता है। किसी राज्य में आपको OBC के लिए 27% आरक्षण की व्यवस्था देखने को मिलेगी, किसी में आपको 14%, किसी में आपको 15%, ठीक है, तो यही व्यवस्था के लिए। इस तरह के जो भी क्वेश्चंस हुआ करें उन पर विस्तार से आप लोग पढ़ लिया करिएगा कि इनसे क्वेश्चंस आपके हमेशा पूछे जाते हैं, ऐसे टॉपिक हैं ये, आप समझिए कि हमेशा क्वेश्चंस बनते रहते हैं, ठीक है।